हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्नैक लवर एक के चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का रेस्क्यू कॉल हमें ग्राम पालसू से आया हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से सांप बैठा हुआ है। यह एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, जिसे यहां पे दोस्तों नाग कहा जाता है। आप देख सकते हैं किस छोटी सी छोटी जगह में अपना आशियाना बना देते हैं। चलिए दोस्तों इसे निकालने का प्रयास करते हैं। जब भी दोस्तों ऐसी जगह पर जाओ तो लकड़ी हाथ में रखो, और रात में निकलते समय दोस्तों टॉर्च का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम पूरी तरह से बदल चुका है दोस्तों। बारिश चालू हो चुकी है और ऐसे में दोस्तों इन सांपों का आना लाजमी है। हालांकि एक पर्यावरण का हिस्सा है दोस्तों, जब भी इनके साथ कोई छेड़छाड़ या बदतमीजी होती है तभी बाइट करते हैं, अन्यथा आपको बाइट नहीं कर पाएंगे। जब भी ऐसा सांप दिखता है दोस्तों आप उचित दूरी बना के रखें। काफ़ी निकलने में दिक्कत हो रही है दोस्तों। दोस्तों इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, और दोस्तों हमने इस पे पकड़ लिया इसे। चलिए दोस्तों इसे निकालते हैं बाहर और भी देते हैं इसके बारे में जानकारी आपको। जब भी दोस्तों यह सांप खतरा महसूस करता है तभी फन उठाता है दोस्तों। जब भी दोस्तों ये निकलता है तो बड़े बड़े दोस्तों हाथी जैसे विशाल पशु इनका रास्ता छोड़ देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये अगर उन्हें भी काट खाए तो उन्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है दोस्तों। कहते हैं ना दोस्तों, किसकी मजाल की छेड़े इस दिलेर को। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी लंबाई देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सांप कितना खतरनाक है। चलिए दोस्तों इसे छांव में ले जाते हैं। घर में दोस्तों थोड़ी साफ़ सफाई रखें। किसान अपने खाने के लिए अनाज रखता है, और दोस्तों उसी अनाज को खाने के लिए चूहे आते हैं, और उन्हीं चूहों को खाने के लिए ये सांप आते हैं दोस्तों। तो घर में थोड़ी साफ़ सफाई रखें दोस्तों, और जब भी रात में निकले टॉर्च लेके निकले दोस्तों। ये हमारे एक प्रकृति पर्यावरण का हिस्सा है दोस्तों, इन्हें मारे नहीं, इन्हें बचाने की कोशिश करें, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारा पर्यावरण सुरक्षित है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी लंबाई, इसकी उम्र दोस्तों करीबन 12 से 13 साल की हो सकती है। दोस्तों जब भी आपके घर में ऐसा सांप निकलता है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, जो कि वीडियो की स्टार्टिंग स्क्रीन पर है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है दोस्तों तो आप बताइए आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों।
तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेजुबान को बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।